हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और हम आ गए फिर से हमारे टेरेस पे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर कहाँ शूट नहीं कर सकता, सो मैं टेरेस पे शूट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक वर्कआउट वीडियो है, और ये वर्कआउट आपको आपकी फैट लॉस करने में हेल्प करने वाला है, और सेकेंडली आपका पोस्चर डेवलप करने में ये वर्कआउट आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे हम टोटल 7 मिनट्स का वर्कआउट करने वाले हैं। इसमें हम लोग 30 सेकेंड्स के दो वेरिएशन लेंगे एंड देन 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। सो इट इज 1 मिनट ऑफ वर्क एंड 30 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट। इस वर्कआउट में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप अपने कोर को हर एक वेरिएशन में एंगेज कर रहे हो। आपका कोर का एंगेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है ये पूरे वर्कआउट में। सो चार्ज योर सेल्फ अप एंड क्विकली जंप इनटू द वर्कआउट वीडियो। सो गाइस, हम हमारा वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा फर्स्ट वेरिएशन है वो है जंप स्क्वाट्स। ये एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट है जो हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं। जंप स्क्वाट्स हमारे पूरे लेग्स को टारगेट करता है, इंक्लूडिंग हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काफ्स। आपको ये परफॉर्म करने के लिए स्क्वाट लगाना पड़ेगा एंड देन चार्ज योर सेल्फ अप फॉर अ जंप। जब आप नीचे लैंड कर रहे हो तो मेक श्योर आप 90 डिग्री तक स्क्वाट की डेप्थ अचीव कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग अप। हम जो नॉर्मल स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं हमें उसी स्टांस के साथ ये परफॉर्म करना है। जस्ट हम इसमें एक एक्सप्लोसिव मोमेंट डाल रहे हैं, वो है जंपिंग की। आपका ये वेरिएशन होने के बाद आपको रेस्ट नहीं लेना एंड देन क्विकली जंप टू आवर नेक्स्ट वेरिएशन विच इज लेग रेस। लेग रेस टारगेट करता है हमारे रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स को, और सिंपली यू कैन से योर एब्स दैट टू। यहाँ पे आपका लोअर पोर्शन यानी लोअर एब्स ज्यादा एंगेज हो रहा है एज कम्पेयर टू आपका अपर पोर्शन। आपको आपके लेग्स हमेशा ग्राउंड से ऊपर ही रखने हैं ताकि आप आपके कोर को ज्यादा एंगेज कर सकोगे। दोनों वेरिएशन के 30-30 सेकेंड्स होने पर आपको 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। यहाँ पे आपको एक जगह पे बैठना नहीं है, मेक श्योर यू आर वॉकिंग और हैविंग अ स्ट्रेच। आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू अवर थर्ड वेरिएशन विच इज अ हाफ बर्पी। आपने भी कभी ना कभी तो एक प्रॉपर बर्पी मारा होगा, बट यहाँ पे हम हाफ बर्पी ही ले रहे हैं, यानी जो स्टैंडिंग पोजिशन में आके आप जंप का एक्सप्लोजिव पार्ट लेते हो वो हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं होना और हमें हमारी एनर्जी बचा के रखनी है फॉर फर्दर सर्च। सो वी आर जस्ट गोइंग डाउन एंड अगेन स्टैंडिंग अप। आपने भी देखा होगा कि जिम के ट्रेनर्स अपने क्लाइंट से बर्पीज ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। हम लोग यहाँ पे उसी बर्पीज का एक बेसिक फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं। ये होने के बाद फिर से हमें रेस्ट नहीं लेना एंड देन वी आर शिफ्टिंग टू अ सुपाइन पोजिशन। यहाँ पे हमें एक सुपाइन पोजिशन पे आके हमारे लेग्स को ऊपर होल्ड करके रखना है एंड देन वी हैव टू मूव आवर लेग्स अप एंड डाउन। यहाँ पे अब अपने कोर को फील करो। अगर ये वेरिएशन में आपने अपना चेस्ट लिफ्ट किया जैसे मैंने किया है तो आप कोर को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोर को ज़्यादा एंगेज कर सकते हो। बट इट इज़ ओके अगर आप अपना चेस्ट नीचे फ्लोर पे रेस्ट कर रहे हो तो। आप अगर कंफर्टेबल हो चेस्ट लिफ्ट करने में तो यू कैन एंगेज योर कोर मोर, दैट इज़ द ओनली थिंग। सो फिर से हमारे दो वेरिएशंस 30 सेकेंड्स ईच हो गए हैं एंड देन हम लोग 30 सेकेंड्स का रेस्ट ले रहे हैं। कीपिंग द सेम थिंग इन माइंड, हमें यहाँ पे एक जगह पे बैठना नहीं है, चलते रहना है। हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये वेरिएशन में आपको एक पुशअप परफॉर्म करते हुए ऊपर आने के बाद आपके साइड पे जंप करना है, फिर से जंप करके ही ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। अगर आप एक स्टैंडर्ड पुशअप नहीं परफॉर्म कर सकते हो तो आप नी पुशअप्स में भी जंप मार के साइड टू साइड परफॉर्म कर सकते हो। मैंने ये पहले भी बोला है एंड आई एम सेइंग इट अगेन, आपका कोर का एंगेजमेंट होना थ्रू आउट द वर्कआउट बहुत ही नेसेसरी है। आप पुशअप में भी अपना कोर एंगेज करने का ट्राई करो। हम इस वर्कआउट में फैट लॉस के साथ ही कोर की स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दे रहे हैं। सो कोर का एंगेज होना पूरे वर्कआउट में बहुत ही इफेक्टिव एंड नेसेसरी है। विदाउट एनी रेस्ट आपको आगे के ये वेरिएशन पे बढ़ना है जो कि है हाफ क्रंचेस।
यहाँ पे जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आप वैसे परफॉर्म कर सकते हो, यानी जो आपके हाथ है वो आपके टोज को टच करना है। और अगर आप चाहो तो अपने हाथ जो टिपिकल क्रंचेस में लोग करते हैं अपने सिर के पीछे रख के भी हाफ क्रंचेस परफॉर्म कर सकते हो। आपको जो इजी एंड कंफर्टेबल हो आप वो पोजीशन में ये वेरिएशन परफॉर्म करो। इसके बाद अभी फिर से हमारे दो दो वेरिएशंस 30 सेकेंड्स ईच के हो गए, तो हम 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे और सेम थिंग चलते रहना है। आई नो कि आपका कोर बहुत ही एंगेज हो चुका है, आप थक गए हो, बट आगे भी चलना है, आगे का भी वर्कआउट बाकी है, तो लेट्स स्टार्ट। ये वेरिएशन है हमारा माउंटेन क्लाइंबर्स। इसमें हम हमारे नीज को हमारे अपोजिट हैंड के एल्बो को टच कर रहे हैं, यानी ये हमारा एक क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर है। जो हमारा रेगुलर माउंटेन क्लाइंबर होता है उसमें सिर्फ हम हमारे नीज आगे लेके जाते हैं एंड देन वी गो बैक। तो गाइस कीप डूइंग, डोंट स्टॉप, सिर्फ 30 सेकेंड करना है ये वेरिएशन, यू कैन डू इट। इसमें आपको एक शोल्डर प्लैंक की पोजीशन में आना है, आपके कोर को एंगेज करना है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द वेरिएशन। विदाउट एनी रेस्ट आपको नेक्स्ट वेरिएशन पे शिफ्ट करना है। इसमें आप एक बॉटल की हेल्प ले सकते हो और आपको एक वी सीट की पोजीशन पे आके बॉटल के ओवर एंड अबव अपने लेग्स को लेके जाना है। कीपिंग इन माइंड आपको आपका कोर कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये वेरिएशन आपके पूरे कोर प्लस आपके ऑब्लिक्स को टारगेट कर रहा है। इसके बाद आप 30 सेकेंड्स का रेस्ट ले लो। रेस्ट मतलब बैठना नहीं है, चलते रहो, हैव अ सिप ऑफ वाटर। अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आप स्ट्रेच कर सकते हो। एंड देन कम इनटू अ प्लैंक पोजीशन आपके नेक्स्ट वेरिएशन के लिए। आपको इस वेरिएशन में एक एल्बो प्लैंक की पोजीशन होल्ड करनी है। मेक श्योर आपका जो प्लैंक परफॉर्म करने की टेक्निक है वो बराबर है। इसी के साथ साथ आपको आपके नीज अपने एल्बोज को टच करना है। दिस विल हेल्प इन एंगेजिंग योर ऑब्लिक्स। 30 सेकेंड्स परफॉर्म करना है, रुकना नहीं है, लास्ट सेट है हमारा, गिव इट योर बेस्ट शॉट। इसके बाद बिना रेस्ट लेते हुए आपको आपका लास्ट वेरिएशन, जो लास्ट एक्सरसाइज है अपने वर्कआउट की, वो परफॉर्म करनी है, जो कि है रशियन ट्विस्ट। इसमें आपको सिंपली वी सिट ये पोजीशन होल्ड करनी है। आपको आपकी लोअर बैक फ्लोर को टच करनी है और आपकी पूरी बॉडी ग्राउंड से ऊपर होगी और सिंपली आपको आपके हाथ साइड टू साइड लेके जाने हैं, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो गाइज आप देख ही सकते हो कि वर्कआउट का इंटेंसिटी किस लेवल पे है। तो वन थिंग फॉर श्योर, आपके कैलोरीज अच्छे से बर्न हो रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा एक इफेक्टिव फैट लॉस के लिए। बहुत लोगों का ये डाउट्स रहते हैं कि हमें सिर्फ बेली फैट रिड्यूस करना है, हमें सिर्फ चेस्ट का जो फैट है वो रिड्यूस करना है। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका फैट है वो अगर जाएगा वो थ्रू आउट द बॉडी जाने वाला है, ऐसा कुछ एक ही हिस्से का फैट नहीं जाएगा। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे कोर के वेरिएशन डाले हैं ताकि आप लोगों को पता चले कोर यानी एब्स के सिर्फ ऐसे क्रंचेस या फिर लेग रेज ये दो तीन वेरिएशन नहीं होते, बहुत से वेरिएशन है। आप हर एक वेरिएशन में अपना कोर एंगेज करके आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। और बट ऑब्वियस है, अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज मारोगे
तो आपका जो डेल्टॉइड है यानी शोल्डर मसल है वो डेवलप होगा। अगर आप एप्स के वेरिएशंस लगाओगे तो आपके एप्स डेवलप होने चालू होंगे और आपका अच्छा खासा वहाँ से फैट लॉस भी होने वाला है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ एक दो वेरिएशन से ही फैट लॉस होता है या फिर फैट लॉस के लिए दो तीन वेरिएशन लिए, ऐसा नहीं है। हर एक वेरिएशन, हर एक वर्कआउट में आपका फैट लॉस होने वाला है। तो आप ये वर्कआउट आपके शेड्यूल में ऐड करो, आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं आप ट्राई करो, आपको जो रिजल्ट्स आते हैं वो मुझे बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, जिसका भी गोल फैट लॉस है, फिर पोस्ट बिल्ड करना हो, एक ऐप्स की डेफिनेशन लाना हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, उसको हेल्प होगी और आपको भी हेल्प होगी। और साथ ही अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं आगे भी ऐसे नए नए वीडियोस लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।